ये वर्दी जो आपको मिली है वो क्या पावर एक्सरसाइज करने के लिए सिर्फ कि देखभाल करके पावर एक्सरसाइज करने के लिए मिली? आपने इसका तो इज्जत खराब कर दिया, तो इसकी क्लिनिक बंद हो गई। अब बोलिए आपके साथ कैसे डील करें। डॉक्टर लेडी डॉक्टर थे, कोई सीरियस एलिगेशंस नहीं था इनके ऊपर, इनको क्या जरूरत थी आपको हथकड़ी लगाने की और गाड़ी में बिठाने की? अगर यही काम आपके साथ किया जाए, एक कोई गलती हो जाए छोटी सी आपसे, या गलती न भी हो कोई आपके ऊपर एक एलिगेशंस लगा दे और आपको इसी तरह घर से खींच करके उठा करके एक गाड़ी में ढकेल करके और बिठा दिया जाए जिसमें आपके ही जैसे वर्दी वाले लोग आपको घेरे रहे हैं, कैसा लगेगा? टुडे DYSP इज प्रेजेंट, आप हैं? क्या जल्दीबाजी हो गई थी इनको अरेस्ट करने की, आपको नोट लिखने की? डॉक्टर लेडी डॉक्टर थे, कोई सीरियस एलिगेशंस नहीं था इनके ऊपर, इनको क्या जरूरत थी आपको हथकड़ी लगाने की और गाड़ी में बिठाने की? सर 310 और 300, आप भले आदमी है ना, अगर यही काम आपके साथ किया जाए, एक कोई गलती हो जाए छोटी सी आपसे, या गलती न भी हो कोई आपके ऊपर एक एलिगेशंस लगा दे और आपको इसी तरह घर से खींच करके उठा करके एक गाड़ी में ढकेल करके और बिठा दिया जाए जिसमें आपके ही जैसे वर्दी वाले लोग आपको घेरे रहे हैं, कैसा लगेगा? सर अरेस्टिंग प्रक्रिया में हम नहीं थे सर। आप नहीं थे? क्यों? आपके तो ऑफिसर्स ने कहा कि साहब आपने नोट दिया था DYSP ने, आपके अभी हैं SP सामने हैं, रूटीन में इन्होंने तो बताया था कि आपने जो है नोट दिया था और उसको इन्होंने ओके किया था। वर्जन फर्स्ट इन्हीं का दिया हुआ लीजिए, आपके वकील साहब भी बता रहे हैं कि आप ही का दिया हुआ है। सुपरविजन फैसला मिला है ये कहते हैं। आपने देखा है कहीं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स वगैरह पढ़ा है? फिजिकल नहीं देखा ये। पावर सिर्फ आप जानते हैं ना, कानून नहीं जानते।